हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी सुबह हम लोग निकलने वाले हैं। आप लोग को मैं बताई थी ना कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो हम लोग जाने वाले हैं हज़ारीबाग। हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, इधर देखो, हाय बोलो। हाय। ये एडलिन है। और ये मेरा भाई है, छोटा वाला। ये भाई नहीं है, ये मेयर है। इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। और डैनियल हेलो बोल दो। डैनियल हेलो बोल दो बेटा। हेलो, ये डैनियल है। तो ये मेरी माँ है, हेलो बोल दो माँ, इधर देखिए। और अभी रास्ते पे देखते हैं, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिखाने की कोशिश करूंगी। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा रास्ते का सीन दिखा दूँ। तो हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी समय बाद एक साथ निकल रहे हैं पूरी फैमिली। और रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है, लगभग 90 किलोमीटर के करीब है रांची से हज़ारीबाग। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टैंक वगैरह फुल करा लिया जाए। हाय बोलो। और इधर है पापा जी, ड्राइव कर रहे हैं। और हम लोग पूरा फैमिली जा रहे हैं। गाइस, तो फिर हम लोग अभी कहाँ, रामगढ़ नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं। मस्ती करके जा रहे हैं। टोल गेट, हम लोग पहुँच गए हैं। टोल गेट जो होता है ना, जहाँ पे टोल गेट, ये हम लोग, मामा सो रही है, डैनियल हेडलिंग भी सो रही है, दोनों भाई बहन जागे हुए हैं। इधर डैनियल और इधर देख सकते हैं, ये है जीजा जी, ये है डैनियल बाबू, पापा जी, ये है टोल गेट, पार हो गया। फ्रेंड्स, इस रास्ते पे एक ही टोल गेट पड़ता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप ज़रूर से फास्ट टैग लगवा लें, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे उस टाइम पे, जाने के टाइम पे 105 रुपये लगा और आने के टाइम पे 60 रुपये लगा था। और जैसे कि आप ये रोड देख रहे हो, इतना अच्छा जो अभी लग रहा है, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, लगभग ये पूरा घाटी हुआ करता था, सिंगल वे था और बहुत ही थोड़ा ख़राब रास्ता था। लेकिन अभी इसे बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, पूरी तरीके से हाईवे है, तो इसमें जाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी सालों के बाद ये रास्ता पे हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग हाफ वे के करीब आ चुके हैं, लगभग सफ़र करते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। बैठे बैठे हम सबको थोड़ी थकान भी हो गई है, तो थोड़ा सा रुक करके रिफ़्रेश हो लिया जाए। और इसके बाद भी कम से कम 1 घंटे का सफ़र है बचा हुआ है। चाय पीने के लिए रुके हुए हैं हम लोग, चाय वगैरह पीने के लिए, दब भी पी लेते हैं, सोच रहे हैं थोड़ा। नारियल कैसे? दब? दब? 60 रुपया, 50 रुपया। नारियल? दब? 60-50 रुपया। रिंग चाहिए? अरे रिंग दे दो भाई इसको। कौन वाला? ये वाला? कौन वाला ले लो बाबू। कितना को चाहिए? ये है नाना, इसका नाना है ये, मेरे पापा। क्या मिला डैनियल को?
तो फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही थी आप लोगों को कि हम लोग हज़ारीबाग जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताई। तो हम लोग हज़ारीबाग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। मेरा एक छोटा भाई है वहाँ पे और उसकी नानी है, दोनों का बर्थडे सेम डे पे होता है। और वो जो मेरा भाई है ना, वो कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो इसलिए उस समय कोई भी पार्टी वगैरह नहीं दे पाई थी दादी लोग। तो इस बार वो लोग अच्छा पार्टी वगैरह कर रही हैं, तो सारे फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी सालों के बाद एक साथ पूरी फैमिली हम लोग कहीं जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी रहते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, तो हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल पाता है देखा जाए तो। लेकिन आज हम लोगों को वो मौका मिला है, तो हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ हम लोग इस पल को यादगार बना रहे हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर से उस मौका को मत गवाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। और एक साथ कहीं भी जाने का मिलता है तो आप लोग जाइए, उस पल को यादगार बनाइए। कैसा लगा जीजा टेस्ट? ठीक है ना? हेड लेन कैसा लगा? अच्छा लगा ना। और दीदी उधर है, गाड़ी हम लोग का यहाँ पे खड़ा है अभी, थोड़ा नारियल पानी और चाय वगैरह पी लेते हैं। दीदी को देखिए, यहाँ पे थक गई है, बैठ गई है। तब थक गए दीदी, काटते हैं। नहीं होगा, छोड़ दे तेरे से। बस हो गया। ज़्यादा घुस गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नारियल पानी पीने के बाद में हम लोग तो नारियल पानी का मलाई वाला ही नारियल चूज़ किए थे, तो ये देखिए, ये मलाई इतना ज़्यादा एकदम अच्छे से मतलब निकला है, तो हम लोग थोड़ा सा मलाई भी खा लेंगे यहाँ पे बैठ करके। कितना चाय का चाचा? 10 रुपया। 10 टका। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाय ले लिए हैं, गर्मा गर्म चाय है। चाय वगैरह पिया जाए। कैसा लगा चाय? लाजवाब है, कुल्लड़ की चाय टेस्टी। आप लोगों को पसंद है कुल्लड़ की चाय पीना? तो अभी हम लोग का चाय वगैरह पीना हो गया है, नारियल पानी वगैरह पी लिए हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बीच बीच में ब्रेक लेते जाना चाहिए। ना माँ, अब हम लोग निकलेंगे ना? हाँ, तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। चलो चलो, तो चलिए। चुके हैं और यहाँ से कितना दूर है करीब भाई? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटे के करीब है अभी। और मौसम तो बारिश आने की जैसे कर रहा है, पता नहीं आना है आएगा कि नहीं, या फिर उधर उधर के एरिया में शायद हम लोगों को मिले। इधर का मौसम बहुत अच्छा है, इधर का। इसको वॉमिटिंग बहुत होता है, मुझे भी होता है, माँ को भी होता है, लेकिन आज तो हम लोग मेडिसिन वगैरह लिए, पहले भी लेते थे लेकिन फिर भी होता था, मगर अभी तो आज शायद खुशी का एक साथ निकल रहे हैं, इसलिए शायद नहीं हो रहा है। हंसी मजाक करते जा रहे हैं। नहीं तो ट्रैवल टाइम जैसे कि अगर बस में जाते हैं तो कभी ना कभी वोमिट लगता ही है। नहीं तो ऐसे टाइम में खुशी का माहौल है, बात करते जा रहे हैं, सारा फैमिली एक साथ बहुत दिनों के बाद मिले हैं, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ, जाके भी वहाँ भी फैमिली अभी मिलेगा ना। डैनियल सो गया क्या? नहीं सोया है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। और आगे का देखने के लिए आप प्लीज़ कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय और लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय फ्रेंड्स।